Hi guys, welcome back to our channel. तो आज हम भी आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको 10 ऐसी एसेंशियल चीज़ें बताएंगे कि जो आपको इंडिया से लेके आनी है, जो कि आपको इमीडिएट चाहिए होंगी यहाँ पे आते ही। हाँ, एसेंशियल चीज़ें एज वेल एज एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो भी कुछ आपको एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको हेल्प कर सकती है, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। तो पहली चीज़ है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बेसिकली इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि लंदन में मोस्टली बारिश होती रहती है, और बेटर होगा अगर आप विंड प्रूफ अम्ब्रेला लाएं, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन के साथ साथ बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो वो ज़रूरी होगा। ऑल्सो आप रेनकोट्स वगैरह भी ला सकते हैं, इससे बच्चों वगैरह के लिए ईजी रहेगा। तो गाइज, आई थिंक द सेकेंड पॉइंट इज़ पुशचेयर या प्रैम। अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो आपको पुशचेयर ज़रूर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। स्टेशन्स थोड़े दूर दूर होते हैं, या आपको कहीं पे भी सेंट्रल लंदन में कहीं भी घूमना है और बहुत चलना पड़ता है हर एक को, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो आई गेस आपको पुशचेयर भी बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड पॉइंट है क्लोथ्स। तो बेसिकली लंदन में जो क्लोथ्स हैं वो विंटर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली यहाँ पर विंटर क्लोथ्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम मौसम ठंडा ही रहता है। इनफैक्ट समर्स में भी कभी कभी मौसम ठंडा हो जाता है, इसलिए आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्लोथ्स जो हैं वो विंटर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। बाकी कुछ आप समर के भी रख सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जैकेट्स, अपने कोट्स, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर आके भी ले सकते हैं या आप इंडिया से भी ला सकते हैं। और जो फोर्थ एसेंशियल आपको चाहिए वो है कुकर। यहाँ पे कुकर इजीली नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो एक्सपेंसिव है, और आपको अपनी मनपसंद का नहीं मिल पाएगा, और उसमें अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो बेटर है अपना कंट्री से ही लेके आएँ, जो भी आपके पास हो घर पे कुकर वो ज़रूर लेके आएँ। और ये ध्यान रखें कि कुकर जो है वो इंडक्शन बेस वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो भी कुकटॉप्स होते हैं वो इंडक्शन वाले होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बोल्स का। तो बेसिकली यहाँ पर जो बोल्स हैं डिनर सेट में जो बोल्स आते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ वाले होते हैं, जो कि बेसिकली बिकॉज यहाँ पर तो ऐसे सब्ज़ी वगैरह कोई ऐसे छोटे वाले बोल्स में नहीं खाता या छोटी कटोरियों में नहीं खाता। यहाँ यूजुअली जो डिनर सेट में आते थोड़े बड़े बोल्स आते हैं जिसमें सूप वगैरह पिया जाता है या कुछ उस तरीके के साइज़ के होते हैं, तो आप वो ला सकते हैं इंडिया से, वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। मिल सब कुछ जाता है यहाँ पे अगेन, बट ये है कि वही एक्सपेंसिव होगा या आपको ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, तो वो चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें ला सकते हैं। पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप यूटेंसिल्स लाएँ वो कोशिश करें कि वो डिशवाशर सेफ़ हो, ताकि मतलब आपको प्रॉब्लम ना हो, आप वॉश करने के लिए आप डिशवाशर में डाल पाएँ उनको। और जो नेक्स्ट चीज़ आपको बहुत ज़रूरी चाहिए वो है यहाँ पे अच्छे शूज़। तो शूज़ एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी महंगे होते हैं यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए, क्योंकि वही जैसे मैंने आपको बताया कि वॉकिंग बहुत करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए आपको अच्छे शूज़ चाहिए। तो डू इन्वेस्ट इन गुड शूज़, गुड कंपनी, जैसे एडिडास हो गया, प्यूमा हो गया और नाइकी हो गया, इनके शूज़ लें। देन सेवन्थ पॉइंट है यूनिवर्सल अडेप्टर का। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके जो भी गैजेट्स होंगे, फ़ोन और लैपटॉप तो आप मिनिमल लाएंगे ही यहाँ पर, तो उनको चलाने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पर अलग टाइप के सॉकेट्स होंगे उनको चलाने के लिए आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लाना ज़रूरी है, आप वो ज़रूर लाइए। और आप एक्सटेंशन कॉर्ड भी ला सकते हैं, उसके लिए भी ईजी हो जाएगा कि आपको मल्टीपल गैजेट्स लगाने हैं चार्ज पर, तो आप लगा सकते हैं इसलिए। जब भी आप लंदन या यूके में एंटर करेंगे तो आपको एयरपोर्ट के बाहर ब्लैक कैब्स मिल जाएंगी, जो कि यहाँ की पहचान है, आपने देखा होगा फिल्मों में भी, लेकिन उनकी मेन चीज़ यह है कि वो बहुत महंगी है, 100 पाउंड से प्लस ही काम चलता है। तो बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप ओला या ऊबर करें, अगर आपकी कंट्री में आपके पास ओला ऊबर ऐप है तो सेम चल जाएगी, आपको किसी और उसकी ज़रूरत नहीं है, और उसी के थ्रू करें। काफ़ी रेट का फ़र्क है, अराउंड 40-50% का फ़र्क पड़ जाएगा, तो ट्राई करें ओला और ऊबर लेने की। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप आएँ यहाँ पर कम से कम कोशिश करें जो बेसिक ग्रॉसरीज़ हैं या फिर कुछ रेडी टू ईट मील्स, जैसे सिंगल लोग आते हैं वो रेडी टू ईट मील्स ला सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आते ही ऐसा नहीं होगा कि आप किचन को सेटअप करके फटाफट से लग जाएँ और मतलब बेसिकली आप कुक कर पाएँ ईजिली। तो इनिशियल कुछ दिन के लिए वी वुड सजेस्ट कि आप ला सकते हैं, वो आपकी इसके लिए ही है, मतलब इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गेट देम, और वो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी बना देगा।
नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जब भी यहाँ पे कोई लैंड करता है उनको लगता है कि हमें इंडिया से सिम लेके आना चाहिए था, मुझे कनेक्ट करना है, किसी को कॉल करनी है, या वाईफाई नहीं है, या इंटरनेट नहीं है, या सिम में इंटरनेट नहीं है, तो आई वुड से कि यहाँ पे अराइवल्स पे भी इंटरनेट फ्री वाईफाई अवेलेबल है, तो आप उसके साथ कनेक्ट करके अपनी ओला उबर कुछ भी कर सकते हैं, एंड प्लस उससे किसी को भी कॉल कर सकते हैं अगर कोई आपको लेने आया तो दैट्स अ वेरी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। तो ये थी असेंशियल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, होप आपको ये यूज़फुल लगेगी और आपके काम आएगी। और बाकी जो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके लोगों की हेल्प कीजिए। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट याद आता है जो कि यहाँ पे चाहिए होता है, जो हमसे मिस हो गया हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।